नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। प्रयागराज से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती के शव को उसके परिजन मृत अवस्था में 5 दिन तक घर के अंदर रखकर पूजा पाठ करते रहे ताकि वो दोबारा जिंदा हो जाए। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां देश और दुनिया नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहा है और गांव से लेकर शहर तक लोग डिजिटल हो रहे हैं, तो वहीं हमारे देश में अंधविश्वास से जुड़ी घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि मरने के बाद कोई लौट कर नहीं आता, पर कुछ लोग अपनों को मरने के बाद भी खोना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, संगम नगरी प्रयागराज से अंधविश्वास से जुड़ा चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार 18 साल की बेटी अंतिमा यादव के शव को 5 दिन तक घर के अंदर करके तंत्र मंत्र के जरिए मृतक युवती जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल पूरा मामला यमुना पार के कचराना थाना क्षेत्र के डीहा गांव का है, जहां अभयराज यादव का परिवार रहता है। अभयराज की 5 बेटियां व 3 बेटे हैं। 4 बेटियों की शादी हो चुकी है और एक को छोड़कर 3 बेटियां इन दिनों मायके में ही थी, जबकि एक बेटी की शादी होनी बाकी है। 4th नंबर की बेटी की शादी के बाद ससुराल से वापस आई है, तब से मानसिक रूप से बीमार होने के कारण पूरे परिवार के साथ मारपीट करती थी और देवी देवताओं के नाम से सबको परेशान करती थी। घर के सभी लोगों को बिना खाना पानी के कमरे के अंदर बंद रखती थी। तो उधर अभयराज की 18 साल की बेटी अंतिमा यादव के शव को 5 दिन तक घर के अंदर रखकर तंत्र मंत्र के जरिए मृतक युवती जिंदा करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि पूरे घटनाक्रम में सबसे आश्चर्यजनक बात सामने आई कि एक तरफ पूरा परिवार मानसिक रूप से ग्रसित है, तो वही मृतक युवती के पिता कचराना क्षेत्र जिला गंगा नदी से गंगा जल लाकर पूरे परिवार के लोगों को गंगा जल पिलाया जा रहा है। पर मृतका की लाश सड़ने की वजह से घर से तेज दुर्गंध आ रही थी, जिसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो अंतिमा का शव पड़ा था, जो कि कई दिन पुराना था और इससे दुर्गंध आ रही थी। यही नहीं, घर के भीतर कई अन्य सदस्य भी बीमार पड़े मिले। इनमें मृतका के अलावा उसकी 3 बहनें, 3 भाई और उनके 5 बच्चे भी शामिल हैं। सभी को अस्पताल भिजवाया गया। तो वहीं देर एसपी यमुना पार के साथ एसडीएम करछना व अन्य अफसर ने जांच पड़ताल शुरू की, तो पता चला अभयराज को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्य भी बीमार थे, लेकिन वो दवा कराने की बजाय झाड़ फूक तंत्र मंत्र से इलाज करने में जुटे हुए थे। थाना करछना के गांव डीहा से एक सूचना मिली थी कि एक अभयराज नाम के व्यक्ति जो 52 वर्ष के हैं, उनके परिवार में काफ़ी लोग बीमार थे, दुबले पतले हो गए थे और उसी परिवार में एक 14-15 साल की बेटी जिसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी डेड बॉडी को लोग घर पे ही रखे थे कतिपय कारणों से, और उनको कुछ सूचनाएं ऐसी थी, चर्चा थी कि वो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये जिंदा हो जाएगी। इस तरह की बातें सामने आई थी। तत्काल मेडिकल टीम्स को, जिसमें सीएमओ प्रयागराज की टीम थी, पुलिस बल को मौके पर भेजा गया था। सभी बीमार लोग या बीमार प्रतीत हो रहे थे जो, उनको तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही साथ जो मृत लड़की थी 15 साल की, उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एसएसपी प्रयागराज के मुताबिक घटना को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मृतक युवती के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
साजिश लौट के आई, इसका थौना नहीं हुआ, थौने के बाद से इसका मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जहाँ इसकी शादी की गई थी वहाँ से कुछ मामला विवाद हुआ था, तो इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, एकदम पागल टाइप की हो गई है। घर वालों को भूत प्रेत के चक्कर में फंसा के रखी है, न तो कोई घर वालों को खाना खाने देती है, न पानी पीने देती है। डीहा घाट से करीब यहाँ बस्ती से 5-4 किलोमीटर दूरी से गंगा जल लाती है, वहीं से खाना बनाएगी, वहीं से नहाएगी और वहीं पीने के लिए देगी। एक टाइम भोजन दिया जाता है, जिससे करीब घर 7 लोगों की संख्या है, 7 लोगों में से सबका वजन घट करके एकदम मरणासन्न कर दिया। एक बच्ची ने खैर सोचने वाली बात यह है कि आखिर कब तक अंधविश्वास के दम पर लोग इलाज करते रहेंगे और लोग क्यों अपने मन में भ्रम पालते हैं कि तंत्र मंत्र और जादू टोना की बदौलत किसी की सांसें भी वापस ला सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि तंत्र मंत्र पर भरोसा ना करें, साइंस और टेक्नोलॉजी पर ही विश्वास जताएं। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार करछना थाना क्षेत्र के डीहा गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती को उसके परिजनों ने मृत अवस्था में 5 दिनों तक घर के अंदर बंद रखा। हालांकि बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला तंत्र विद्या का है। युवती की शादी हुई थी और शादी के बाद जब युवती अपने मायके आई थी तब से वो मानसिक रूप से परेशान रह रही थी। किसी कारणवश उस युवती की मौत हो गई और उसके जो परिजन हैं उसको झाड़ फूँक करते रहे। 5 दिन तक उसके शव को कमरे में बंद रखे हुए थे। जब उस शव से दुर्गंध आने लगी तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे तो वहां पर जांच पड़ताल की तो देखा गया कि युवती के शव को चारों तरफ से तंत्र विद्या से ढक कर रखा गया था। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि जो युवती के परिजन हैं उनको मानसिक रूप से परेशानी है, पुलिस द्वारा उनको चिकित्सकीय इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। जहां 21वीं सदी के लोग चांद पे पहुंच गए हैं, अन्य ग्रहों की खोज कर रहे हैं, डॉक्टर अलग अलग तरह के उपाय और खोज कर रहे हैं ताकि जीवन को और लंबा बनाया जा सके, स्वस्थ बनाया जा सके, सुखद बनाया जा सके, लेकिन आज भी लोग तंत्र मंत्र जादू टोने के चक्कर में ही लगे हुए हैं। प्रयागराज से जब से ये मामला सामने आया है सबके होश उड़ गए हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।